हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द रियल फिनी। आज मैं आपसे यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये मेरी गारंटी है कि इस टॉपिक से आपके एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, या तो मैथ्स दी कॉलम में आएंगे या तो सिक्वेंस में लगाने के लिए आएंगे। तो ये टॉपिक आप बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाइएगा। मैं आज आपके साथ कुछ थिंकर और उनके पब्लिकेशंस बता रही हूँ आपको, जो कि बहुत ज़्यादा ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ये। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पब्लिकेशन आज हम लोग डिस्कस करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पब्लिकेशन एंड ऑथर सीरीज पार्ट वन। ये आपको क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट थिंकर हैं ये हैं वुड्रो विल्सन। यहाँ पे आप देख सकते हैं वुड्रो विल्सन को क्या बोला जाता है, ये फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। इनके जो भी कोटेशन हैं स्टेज ऑफ रिवॉल्यूशन में इनका क्या रोल है, ये आप ज़रूर से देख के जाइएगा। इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। पहले मैं आपको इसकी बुक के बारे में बता देती हूँ कि वुड्रो विल्सन सन के कौन से इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। कांग्रेशनल गवर्नमेंट, जो कि 1885 में पब्लिश हुआ था। ये कब पब्लिश हुआ था? 1885 में। आपको ईयर ऑफ पब्लिकेशन और उसके ऑथर दोनों याद रखने हैं। अगर ईयर बाई चांस आपको नहीं भी याद है तो आपको सिक्वेंस याद होना चाहिए। आप इसको याद करने के लिए आप अपने वार्डरोब पे, वॉल पे एक डायग्राम बनाकर आप पेस्ट कर दीजिए, या जो मैं आपको बता रही हूँ इसी को सिक्वेंस वाइज लिख के आप उसको पेस्ट कर दीजिए। सोते जागते एक बार आपकी नज़र जाएगी तो आपको एग्जामिनेशन जब आप देने जाएंगे तो रिकॉल करेगा कि अच्छा कांग्रेशनल गवर्नमेंट किसने लिखा था, तो वुड्रो विल्सन की ये पब्लिकेशन है। किस ईयर में? 1885। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये कब हुआ था? 1887 में। और कौन से जर्नल में आया था? पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली। ठीक, स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कौन से जर्नल में पब्लिश हुआ था? पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में। द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट ये इसका पब्लिकेशन कब है? 1908 में है, 1908 में। कांग्रेशनल गवर्नमेंट 1885, स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1887, द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट 1908 में। आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि आप सीक्वेंस वाइज वुड्रो विल्सन का बुक लिखिए, तो लिख दिया जाएगा पहले कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट दे देगा, लास्ट में कांग्रेशनल गवर्नमेंट दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी बुक पहले पब्लिश हुई है, कौन सी लास्ट में हुई है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एफ डब्ल्यू टेलर ये आपके 2020, 2021, 2023 और 2024 का जो अभी एनटीए का एग्ज़ाम हुआ था, इसमें ये जो 2024 का आपका एनटीए का एग्ज़ाम हुआ था इसमें भी ये क्वेश्चन आपका इस बार आया हुआ था। 2024 यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब पीस रेट सिस्टम 1895 में है। पीस रेट सिस्टम 1895 में ये बुक पब्लिश हुआ है। सॉफ्ट फ्लोर मैनेजमेंट 1903 में है। द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स 1906 में है। द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911 में है। आपको ये सफल करके दिया गया था 2024 के एग्ज़ाम में। आपको पता लगाना था कि कौन सी बुक पहले पब्लिश हुई थी, आपको इसको सीक्वेंस में लगाना था। तो आपको पता होना चाहिए कि टेलर की जो पीस रेट सिस्टम है वो 1895 में सबसे पहले आया था। जैसे एक पीस याद कैसे करेंगे? पीस है, पीस को हम लोग मैनेजमेंट में देखेंगे। पीस रेट कब आया? 1895 में। सॉफ्ट फ्लोर मैनेजमेंट 1903। द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स 1906।
द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911। जब भी हम लोग ऑथर्स या फिर उसके ईयर ऑफ पब्लिकेशन देखते हैं तो माइंड में एक क्वेश्चन आता है जब भी प्रिपरेशन करते हैं यार कि इतने सारे कोटेशन है, इतने सारे बुक्स और पब्लिकेशन है, याद कैसे होगा। सबसे बड़ा यही क्वेश्चन है, याद कैसे होगा। तो आपको उसको याद नहीं करना है, रिवाइज करना है। आप अपने, मैंने जैसे बताया, अलमीरा पे, वॉल पे, सोते जागते आपको बस दिन में 5 मिनट इस टॉपिक पे टाइम देना है। 5 मिनट्स आपको इस टॉपिक पे टाइम देना है और आप रिज़ल्ट खुद देखेंगे, ये मेरी गारंटी। आप इतना करके देख लीजिए, आपका इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये 2020, 2021, 2022, 2023 तीनों में ये आया हुआ ये क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो टेलर हैं, टेलर को क्या बोला जाता है, ये फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी हैं। F.W. टेलर क्या हैं, फादर हैं किसके, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के। किसके फादर है, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के। इन्होंने फंक्शनल फोरमैनशिप की बात की थी, प्लानिंग इन चार्ज और प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन टू वर्कर्स। मैंने F.W. टेलर अपने चैनल पे कवर किया है, तो आपको अगर पूरी वीडियो देखनी है टेलर की कि क्या उनका कॉन्सेप्ट है, तो आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। अब हम लोग फंक्शनल फोरमैनशिप की बात कर लेते हैं कि टोटल 8 फंक्शनल फोरमैनशिप बताते हैं जो 2 पार्ट में डिवाइड है, प्लानिंग इंचार्ज और प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन। प्लानिंग इंचार्ज फर्दर डिवाइड होता है 4 वर्क में, पहला क्या, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, सेकेंड रूट क्लर्क, थर्ड टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और 4th वन इज डिसिप्लिनेरियन। आपसे इससे भी पूछ सकते हैं कि फंक्शनल फोरमैनशिप कितने पार्ट में डिवाइड है, कौन सा स्पीड मतलब प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन है, कौन सा प्लानिंग है। और ये क्वेश्चन PYQ में आया है, बहुत पहले ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन में क्या, स्पीड है, गैंग है, रिपेयर है और इंस्पेक्टर है। क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की। मैं आपको बस जो बुक्स और ऑथर दे रही हूँ उससे रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट है, कौन से थिंकर ने क्या कॉन्सेप्ट दिया। वुड्रो विल्सन फादर हैं, उन्होंने स्टेजेस इवोल्यूशन की बात की है। F.W. टेलर की यहाँ बात करें, उनकी हम लोग क्या फंक्शनल फोरमैनशिप की बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल। आप रिकॉल कीजिए कि किस टॉपिक से क्या क्या आपको पता है और क्या मैं स्किप कर रही हूँ। आप वो कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि आपको इस टॉपिक से क्या इम्पॉर्टेंट लगा। तो आप ज़रूर से ये चीज़ भूलिएगा नहीं। प्रिंसिपल क्या, साइंटिफिक नॉट रूल ऑफ थंब, हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड, मेंटल रिवॉल्यूशन एंड 4th वन इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा है आपसे, पूछा गया था ऑप्शन में कि एक दिया था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, इंडिविजुअलिज्म नॉट, ऐसे दिया था, इंडिविजुअलिज्म नॉट कॉपरेशन। तो ये ऑप्शन आपसे पूछे थे कौन सा इसमें नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो कॉपरेशन की बात करता है, ना कि इंडिविजुअलिज्म की बात करता है। ठीक, डिटेल में आप जाके ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का पूरा देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी डिस्कस की हूँ ये टॉपिक। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो थिंकर हैं हमारे वो हैं एल्टन मेयो। ये डिस्कस किए हैं क्या, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी की बात इन्होंने की है। इनकी जो पहली पब्लिकेशन है वो क्या है, मैनेजमेंट एंड दी वर्कर, मैनेजमेंट एंड दी वर्कर। और ये किसके कंट्रीब्यूशन के साथ हुआ है, रॉथलिस बर्गर। ठीक, फिर है दी ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, ये कब पब्लिश हुआ था, 1933 में। दी सोशल प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1945 में। दी पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1947 में। एल्टन मेयो में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि मैनेजमेंट एंड वर्कर, रॉथलिस बर्गर, ये थोड़ा सा ऑड एंड आउट है, बाकी ये जो तीनों पब्लिकेशन है वो ईजिली आप याद कर सकते हैं। आपको पूरा ये याद करने की नहीं ज़रूरत है, आपको ह्यूमन याद रखना है, ह्यूमन प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम और पॉलिटिकल, इसका सीक्वेंस याद रखना है, पहले ह्यूमन, सेकंड वन इज सोशल एंड
लास्ट वन इज पॉलिटिकल HSP 1933 में ह्यूमन आया, सोशल पॉलिटिकल प्रॉब्लम 1945 में सोशल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम 1947, आप ऐसे याद कर सकते हैं HSP। अब सीक्वेंस ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपके हर साल रिपीट करता है ये क्वेश्चन हर साल, चाहे वो 2020 हो, 21, 22, 23 और इस साल भी 2024 में भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था, इम्पोर्टेंट में सीक्वेंस वाले ये क्वेश्चन आए थे, तो उसको स्किप करके बिल्कुल नहीं जाइएगा। ये क्वेश्चन आया था सीक्वेंस वाले कि ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में कौन सा एक्सपेरिमेंट पहले हुआ, तो सबसे पहले कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ, एल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट हुआ 1924 से 27। सेकेंड में क्या हुआ, रिले असेंबली रूम एक्सपेरिमेंट हुआ। थर्ड इंटरव्यू वर्कर हुआ, वर्कर का इंटरव्यू लिया गया। एंड द फोर्थ वन इज बैंक वायरिंग रूम एक्सपेरिमेंट, आपको सफल करके क्वेश्चन दिया रहेगा और ये क्वेश्चन 2024 में भी पूछा गया था, तो आप बिल्कुल भी इस टॉपिक को स्किप करके नहीं जा सकते हैं। मैं आपको इसीलिए जो भी पब्लिकेशन एंड ऑथर उसके साथ साथ क्या कॉन्सेप्ट है, किस थिंकर ने, किस ऑथर ने क्या कॉन्सेप्ट दिया, इसलिए साथ साथ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपको भी ईजिली समझ में आए और वो टॉपिक आपका रिकॉल होता जाए। एक क्वेश्चन के साथ आपके बहुत सारे क्वेश्चन माइंड में तैयार होते जाएं, और मैं अपने तरीके से बेस्ट आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको ईजिली समझ में आए सारी चीज़ें। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है या कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। हेनरी फ्योल, जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1908, जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1916 में, और द एडमिनिस्ट्रेटिव थियोरी ऑफ द स्टेट 1923 में। हेनरी फ्योल क्या बात करते हैं, क्लासिकल थ्योरी की बात करते हैं जिसमें जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1908 में लिखी, आप कैसे याद कर सकते हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात यही करते हैं, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की भी बात करते हैं कौन फ्योल करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ स्टेट ये कब लिखे थे, 1923 में। अगर आपको ये नहीं याद हो रहा तो आप सिक्वेंस वाइज याद कीजिए। अब आप मुझे बताएंगे कि हेनरी फ्योल तो क्लासिकल थ्योरी इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए हुए हैं, किसको किसको याद है वो 14 प्रिंसिपल आप बता सकते हैं, हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स हैं। इससे भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा प्रिंसिपल्स, क्वेश्चन कैसा रहेगा, विच एमंग द फॉलोइंग Following is not the principle given by Fuel। आपसे पूछेगा कि कौन से इसमें जो क्वेश्चन है फ्यूल के द्वारा नहीं दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हेनरी फ्यूल है 14 प्रिंसिपल जो दिए, तो आपको 14 प्रिंसिपल याद होना चाहिए, तो आप इसका भी एक डायग्राम बनाकर अपने रूम में पेस्ट कर सकते हैं। मैं एक बार बोल दे रही हूँ कि 14 प्रिंसिपल कौन से हैं जो दिया गया है, 14 प्रिंसिपल्स, ठीक, फ्यूल के द्वारा, डिवीजन ऑफ वर्क पहला, दूसरा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड वन इज़ डिसिप्लिन, फोर्थ इज़ यूनिटी ऑफ कमांड, फिफ्थ वन इज़ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सिक्स्थ सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, सेवन्थ रिम्यूनरेशन, एट सेंट्रलाइजेशन, नाइन स्केलर चेन, टेंथ ऑर्डर, इलेवन इक्विटी, ट्वेल्थ वन इज स्टेबिलिटी, थर्टीन इज इनिशिएटिव एंड 14 वन इज स्प्रिटी कॉप्स। ये मैंने 40 प्रिंसिपल डिटेल में समझाए हुए हैं, अगर आपको फिर से एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो बाकी के नेक्स्ट
ऑथर और पब्लिकेशन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट टू में डिस्कस करूँगी। आशा करती हूँ कि आपको जो भी मैं ये पब्लिकेशन एंड ऑथर सीरीज़ आपके साथ शेयर की हूँ आपको समझ में आया हो, आपके लिए समझ के साथ काफ़ी बेनिफिशियल भी रहे। और इसकी गारंटी मैं लेती हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन 100% आएंगे ही आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।